सत श्रीकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है मुलाजम पेनशनर्स एकता जिंदाबाद। मुलाजमान ते पेनशनर्स लई वड्डी खबर, मुलाजमान ते पेनशनर्स दे हक दी आवाज़, सारे मुलाजमान ते पेनशनर्स लई जरूरी वीडियो। सो सब नू रिक्वेस्ट की जाती है कि एक बारी ये वीडियो जरूर देखना जी। ये आप सब दे हक दी आवाज़ है और इस वीडियो नू सब दे नाल वध तो वध शेयर भी जरूर करना जी, ता जो असी सरकार तो अपने सारे हक बहुत जल्दी मनवा सकीए। सो वीडियो शुरू करन तो पहला जो भी इस चैनल ते नवे आए हैं, जिन्हां दोस्तों ने हाले तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है, तो हर एक लेटैसट अपडेट लैण दे लई इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना जी। इस चैनल के उपर असीं तुहाडे लई हर एक इंपोर्टेंट अपडेट्स लैके आउंदे हाँ। सो आओ हुण असीं इस वीडियो नूं शुरू करते हाँ। मुलाजमां दा थोड़ा हिस्सा हैगा जिहड़े रेगुलर मुलाजम ने, उहनां नूं मिले आ कच्चे मुलाजमां नूं, इक नूं वी पक्के करके कोई गिफ्ट नहीं दित्ता गया। माण भत्ता वर्करा की तनखाह के माण भत्ते के एक भी रुपए का वाधा नहीं किया गया। जुलाई 17 जुलाई 2020 तो बाद जिन्होंने उत्ते केंद्र के स्केल थोप दिए गए, उन्होंने कोई राहत नहीं दी गई। पुरानी पेनशन लागू करने वाल एक भी कदम पुटिया नहीं गया। साढ़े कुल मंग पत्र का जे असी कह लिए 80% तो वध हिस्सा अजे इस तरह पिया हो, असी दिवाली गिफ्ट प्रवान करके ये कह लिए कि हुण मोर्चे की जरूरत नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं है। तो यह उन्हें 80% वर्गों के नाल एक विश्वासघात होगा, जिहड़े एक आस के नाल इस मोर्चे नाल जुड़े सी कि एक बड़ा मोर्चा किसानों के मोर्चे की तर्ज ते पंजाब के मुलाजमान का एक बड़ा मोर्चा बनिया। जिवें किसानों के मोर्चे ने समुचे पंजाब दे विच एक तब्दीली का दौर लैके आंदा, लड़न वाले लोगों को एक नवी प्रेरणा दिती आ, उस तरह पंजाब का यह मुलाजमान का मोर्चा भी नवी पैड़ा पाऊगा। तो कच्चे मुलाजमान की नौकरी पक्की कराने के लिए आउटसोर्स वालों को डिपार्टमेंटा च लिया के उन्होंने पक्के करन दा राह पत्थर करन दे लई, जां इन्वेस्टमेंट वालों को डिपार्टमेंटा च पक्के कराने के लिए, जां माण भत्ते वालों ते घट्टो घट्ट उजरता कानून लागू कराने लई, सारे पंजाब के मुलाजमान के उत्ते पंजाब के स्केल लागू कराने लई, जां कह लिए जिहड़ा तरातर सरकारी महकमिया चो पोस्टा खत्म कीतियां जा रही ने उन्हों रुकवाउण दे लई 2004 तो बंद कीती पुरानी पेनशन मुड़के बहाल कराउण लई इह मोर्चा एक आस दी किरन दी तरह आया सी। इस करके जे अज इह प्रभाव जा रहा हैगा कि मोर्चा सिर्फ पक्के मुलाजमां दी एक हद तक कह लिए गल मनवा के उस तो बाद कमजोर पै रहा, तो सानू लगता कि यह पंजाब के लखा जिहड़े लोग ने उन्हां दे नाल एक विश्वासघात की तरह होना हैगा। बाकी जिहड़े पक्के मुलाजम ने उन्हां नू की मिलिया, जे उहदी थोड़ी गहराई दे विच जाइए तो जिहड़ा एक प्रचार सरकार ने किया, सरकार ने प्रचार इस करके किया कि 15% वाधे की असीं गरंटी करते हैं। वह इस करके प्रचार किया क्योंकि पहली बार सी कि पंजाब के मुलाजम लगातार सड़कां ते आके बोल रहे सी कि पहला तनखाह कमिश्न जिहड़ा तनखाह वधाउण की बजाय तनखाह घटा रहा है। लोगों के भी गल सी, आम लोगों का भी सानू हुंदा रिस्पोंस मिल रहा सी कि सरकार तो भाई फिर जगों कैर भी कर रही है जे तनखाह घटा रही है। उस कहती है अटैक तो बचण के लिए सरकार यह ले आई कि हर मुलाजम का 15% तनखाह वाधा असीं यकीनी बनाउंदे आ, पर उहदे विच कीता की कि जिहड़ा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 नूं 125% सी, उह मर्ज होना चाहिए सी साडी बेसिक पे दे विच। जिवें कि पे कमिशन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 125% DA मर्ज हो जाना हैगा साडा, पर इन्होंने 31 दिसंबर 2015 नूं जो 119% DA सी सेंटर का, उदो 113% DA नूं मर्ज करके 15% का वाधा दिता। तो 15% 15% नहीं है, कहन नूं 15% हैगा, पर उह जे आपां जिहड़ा 12% DA घटा के लाया इहने उहनूं वेखदे आ, उहदे बेस ते देखदे आ, तां कुल 8% तनखाह का वाधा होया, कोई 15% तनखाह का वाधा नहीं। नंबर 1 तां इह सारे दे सारे पक्के मुलाजमां नूं स्पष्ट होना चाहीदा। अगली गल, 2011 दे विच सरकार ने बहुत सारिया कैटागरिया के 239 कैटागरिया के स्केल रिवाइज किए, इस तरह 24 कैटागरिया के भी किए। वो स्केल जो रिवाइज किए क्योंकि वो पे कमीशन की रिपोर्ट के नहीं सी, 24 कैटागरिया के स्केल रिवाइज किए पे अनोमली कमेटी ने, जिन्हों छेवें तनखाह कमीशन चलो कहता कि पे कमीशन का ही हिस्सा, छेवें तनखाह कमीशन ने कह दिता कि 24 कैटागरिया मिले वाधा क्योंकि पे कमीशन का पार्ट है, इस करके बरकरार रहेगा। पर 239 कैटागरिया के वाधे के उत्ते तनखाह कमीशन ने काटा मार दिता, यह कह के कि वह पोलीटिकल मोटिव के लिए सी
वह सियासी हितों लिए सी सरकार ने जिहड़ा किया उन्हूं दिंदे होए वादा दिंदे होए कितने भी यह नहीं देखिया कि खजाने पर किस तरह का भार पऊगा। इस तरह की टिप्पणियां आ गई। पे कमीशन ने एक वादा खारज किया पर पंजाब की मौजूदा सरकार ने दोनों वादियों के उत्ते काटा मार दिता। चाहे 24 कैटागरिया का हो चाहे 239 कैटागरिया का वादा होनू यह कह दिता कि यह वादे दोनों ही कह लिए गैर वाजब ने। इस करके दोनों से काटा मार के जो सानू लिया के 2006 के उत्ते खड़ा कर दिता। 2006 जो स्केल से उत्थे लिया के खड़ा कर दिता है तो अज जिहड़ा 15% वाधा दिता जा रहा यह वाधा जिहड़ा असल महीने के 8% आ यह पे कमीशन द्वारा नहीं दिता जा रहा। यह दिता जा रहा सरकार की कैबिनेट सब कमेटी द्वारा। इस करके आने वाले समय के जो कोई नवा वाधा करने के लिए तनखा कमीशन बैठता ज तनखा कमीशन के बदल के लेके आते हैं आने वाले समय जो भी वाधा करने के लिए कोई बेस मनिया जाना वो 15% वाधे में उन्होंने कोई बेस नहीं मनना। 2.25 से 2.9 के जो वैक्टर दिते ने सरकार ने उन्होंने बेस मन के अगला वाधा दिता जाऊगा। जिमें इन्होंने 2011 अंदर बेस नहीं मनिया 2006 बेस मनिया है। यह दूजी चीज हैगी जो साढ़े ध्यान च रखने वाली। इस तरह साडा महंगाई भत्ता जिहड़ा कह लिए कि डी लिंक कर दिता एक तरह जिहड़ा जुलाई तो मिलना सी वह नवंबर तो ऐलान किया जो 11% अनाउंस किया है। यह अगला हमला एक पेंशनर के उत्ते जिहड़ा अज तक यह मामला उभर के सामने नहीं आया। कल असी कुछ साथी बिक्रम देव ते मैं होर असी साथी बैठे सी असी स्टडी किया कि जिहड़े इन्होंने वादे दिते ने उन्हां दा रूप की है। उन्होंने पेंशनर के लिए जिहड़ा डीए की जगह डीआर शब्द वरतिया डीयरनेस रिलीफ पत्ता नहीं रह गया हुण और रिलीफ होगी राहत होगी। इसे करके उन्होंने 11% वाला डीए दे विच पेंशनर का जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्होंने पत्ते दे उत्ते तां काटा मार दिता डीए दे उत्ते वो तां रिलीफ हैगा सरकार किन्नी दे सकती है किन्ना नहीं दे सकती एक होर अटैक हैगा। इस करके ये वो अटैक ने जिहड़े पक्के मुलाजमां ते एक अटैक कि जिहड़े 1-1-16 तो बाद भर्तियां जिहड़ियां होईयां पहला उन्होंने 10-300 से रखिया किसी 6,000 से रखिया किसी 15,000 से रखिया 3-3 2-2 साल उन्होंने घट तनखा से लवाए तो मुड़के हूँ जब उन्होंने 15% वाधे की लैटर जारी की तो उसके यह कह दिता कि उन्होंने परखकाल के समय का कोई बकाया नहीं मिलेगा। यह कह दी अगला अटैक हैगा। इस करके कुल मिला के सरकार ने पक्के मुलाजमान कुछ दे के भी आने वाले समय के लिए साढ़े रस्ते च अजे कंधे बीजते जोड़े आने वाले समय से भविख के झुकने पैणगे। जिमें 2011 के कुछ लीडरशिप ने अपने आप कह दी सरकार एक समझौता किया कि सानू जो बद ग्रेड साढ़े बढ़ा दो पर सानू 1-1-6 तो लोड़ नहीं 11 तो लागू कर दो। चाहे साढ़े ना भी वादे होंगे ग्रेड घट भी रह जाते पर जे 1-1-6 तो होंगे तो तनखा कमीशन का हिस्सा होने से। इस करके जो अच्छ सौ काल 15% का ढंडोरा पट्टिया जा रहा यह आने वाले समय से पक्के मुलाजमान पेंशनर ये कंडे कह दिए झुकने पैणगे। ये अच्छ आप अपने दिमाग के गल बसानी चाहिए है। इस तो अगली गल कि मान पत्ते वाले उन्होंने तनखाह के मान पत्ते कह दिए 1 रुपए का वाधा नहीं होया फिर किस आस ना असी लड़ाई ठंडी पा दीए। जो किसी भी कच्चे मुलाजम को पक्के नहीं किया गया किमें असी कह दीए कि हम मोर्चे की जरूरत नहीं रही। इस करके जिहड़े भी लोग इस तरह की गल करते हैं वो चाहे साडी फेडरेशन का ही क्यों ना हो कोई भी आगू इस चीज कहूगा कि हुण लड़ाई जित ली असी लड़ाई की जरूरत नहीं रही। ठीक है पक्के मुलाजमान लिए जो कुछ निकल के आया वो साडी लड़ाई की वड्डी प्राप्ति कह सकते हैं पर जो असी मंगदे सी वो नहीं है। नंबर 1 नंबर 2 जिन्हें वर्गों नूं अजे तक कुछ नहीं मिलिया हैगा जे उन्हें वर्गों को कुछ नहीं मिलिया असी उन्होंने विश्वासघात नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन वालों ऐलान करते हैं कि सांझा फ्रंट कितने तक जाता कितने तक नहीं यह सांझी राय होनी है पर डेमोक्रेटिक मुलाजम फेडरेशन जिन्नी सांझे फ्रंट दी मंगा ने उन्होंने सारिया मंगा के उत्ते लास्ट दम तक कह दी लड़ाई के मैदान के बनी रहूंगी असं यह विश्वास कराने है। इस करके आप लड़ाइया के उतरा चढ़ा आते हैं सांझी लड़ाई संघर्ष को अगे लेके जाने होंगी है। आपां सांझ इस करके बनाउंदे आ कि लड़ाई अगे जावे पर जे कदे कोई सांझ लड़ाई नूं अगे नहीं ले जा सकूगी तां कल्ले तौर ते भी कह लईए आपां लड़ाई अगे ले जा सकते हैं। असीं आस करते हैं कि पंजाब दीआं समुच्चियां फैडरेशनां क्योंकि उन्हां फैडरेशनां दे नाल भी कॉन्ट्रैक्ट वाले जुड़े हुए ने मानपत्ते वाले जुड़े हुए ने असीं उन्हां तों इह आस जरूर करते हैं सारिया फैडरेशनां तों अपील भी करते हैं कि जिन्ना समां पौड़ी दे लास्ट डंडे ते खड़े मानपत्ता वर्करां तक दा मसला हल नहीं हुंदा
या जिन्ने साडे मसले ने सारियां नूं जे 100% नहीं तां अनुपातिक रूप दे विच सारियां नूं कुछ ना कुछ नहीं मिलदा उन्ना समा सानूं लड़ाई दे विचों किसी भी हालत दे विच बाहर नहीं जाना चाहिए। यह असी अपील इस फ्रंट दीआं समुचियां फैडरेशनां ते जथेबंदियां नूं जरूर करांगे। बाकी अज आपां चन्नी सरकार दे नारियां दी पंड फुकणी है ते इहदा भी कह लईए अज दे सैक्शन दा मुख बयान जिहड़ा हैगा मुख केंद्र हैगा उह कच्चे ते मार पत्ते वालिआं वास्ते हैगा क्योंकि सरकार इहनां नूं लगातार लारे दर लारा ला रही है। सो इह रोस अज लारियां दी पंड फूक रहा जे उह सिर्फ ते सिर्फ आपां केंद्रत करके फूक रहे हां कच्चे मुलाजमां ते मार पत्ते वालिआं दीआं मंगां नूं लै के। बाकी अतिंदर साथी ने बहुत वधिया गल कही सी कि लड़ाई जिथे सरकार नाल आ उथे अंदर भी जारी रहनी है। अंदर आपां घर की लड़ाई घर च लड़ते हैं पर जे घर की लड़ाई घर च हल नहीं होंदी ते कित दिन दा बखेड़ा वरदी हैगी आ उह लड़ाई बाहर आ जांदी है। इस करके समुचे आगूआं नूं समुचियां जथेबंदियां ते फैडरेशनां नूं अपील आ कि मंग पत्र च शामिल समुचियां मंगां दे ठोस हल तक आपां लड़ाई जारी रखीए। इस तों बाद ही आपां कोई गल अगे लिजा सकते हैं। बाकी सांझे फ्रंट दे उत्ते हमले लगातार पहलां भी होए ने चाहे कोई अनरवाइज या रिवाइज के नाते करता हो चाहे किसी ने यह मंग के उत्ते कह लिए कि सांझा फ्रंट 2015 तो बाद वाले की गल नहीं करता की गल बई सांझा फ्रंट यह कह दे कि 2.72 का गुणांक छड के 15% दे दो 2015 वाले नूं। असी सांझे फ्रंट वालों जिहड़े 2015 तो बाद के मुलाजम ने उन्हां लिए मंग की सी कि उन्हां दी मुढ़ली तनखा प्लस ग्रेड पे जोड़ के उहदे उत्ते 2.72 का गुणांक आपां मंगदे हैगे आ ते हे जो सरकार ने दिता हैगा 15% का उहदे नालों कितें ज्यादा चंगी ऑप्शन हैगी आ। इस करके साडी इह मंग सी उस मंग दे उत्ते लड़ाई अगे भी जारी रहेगी पर जिहड़े भी लोग बार बार कहिंदे ने कि सांझा फ्रंट इहदी गल नहीं करता सांझा उहदी गल नहीं करता उस दिन कह लिओ उस दिन इल्जाम दे लिओ जदों फ्रंट समझौता कर गया सरकार नाल लड़ाई दे विचों बाहर हो गया पर जिन्ना समा सांझा फ्रंट लड़ाई दे रहा लड़ाई दे मैदान दे विच सारिआं नूं पहरा देना चाहीदा कि सांझे फ्रंट दे मंग पत्र शामिल मंगां ने उन्हां दे उत्ते जे कोई वक्खरी राय आ उह साथी दे सकदे ने पर जिहड़े लोग सांझे फ्रंट ते अटैक कर रहे ने उह कह लईए कि इस सांझी लड़ाई नूं अगे वधाउण दी बजाए लड़ाई नूं सानूं लगदा कि सरकार दे हक दे विच ज्यादा भुगत रहे ने। सो आस करदे आ कि अजिहे लोग अपने इन्हां हमले करन दी नीति तों बाहर जा के ईमानदारी दे लड़ाई दे विच आउणगे। बहुत बहुत धन्नवाद।